नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सशस्त्र पर्दा के यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के भीतर पावर इक्वेशन अब बदलने के कगार पे पहुंच रहा है। और ये पावर इक्वेशन यानी सत्ता का समीकरण, ये आखिर किस रूप में, किस अंदाज में, किस तरीके से उसकी पूरी बिसात बिछाई जा रही है, वो ज्यादा इस दौर में महत्वपूर्ण हो गया। और इस पूरे बिसात को, इस पूरे बिसात के ऊपर दिल्ली के भीतर ये बिसात बिछाई जा रही है, लेकिन तैयारियां राज्य स्तर पे होते हुए दिखाई पड़ रही है। आखिर ये तैयारी कहां चल रही है, कैसा तैयारी हो रहा है, कौन तैयारी कर रहा है और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के भीतर तथा कथित गुजरात लॉबी से त्रस्त लोग अलग अलग तरीके से अपने अपने पीड़ा का सार्वजनिक तौर पर कहीं ना कहीं उद्गार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आखिर हो क्या रहा है भारतीय जनता पार्टी के भीतर, हो तो बहुत कुछ रहा है भारतीय जनता पार्टी के भीतर। आज मौका राजस्थान से निकल करके आई है कि राजस्थान के भीतर वसुंधरा राजे ने बहुत बड़ी बात कह चुकी है। मौका था, दस्तूर भी था, मौका था प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति का, प्रदेश अध्यक्ष के कार्यभार संभालने का। और नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर जब कार्यभार संभालने के लिए जयपुर भाजपा कार्यालय के भीतर पहुंचे तो वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री, दो बार के मुख्यमंत्री रह चुकी, पांच बार के सांसद वसुंधरा राजे भी पहुंचे हुए थे। और वसुंधरा राजे ने इतनी बड़ी बात वहां पर कह डाली जिसके आश्रय आप समझ सकते हैं कि आखिर बीजेपी के भीतर खेल कौन सा चल रहा है। वसुंधरा राजे ने कहा कि राजनीति में तीन फैक्टर काफी महत्वपूर्ण है। और तीन फैक्टर कौन से हैं, ये तीन फैक्टर पद, मद और कद। पद, मद और कद को, पद और मद को अस्थाई टेम्पररी बताया, लेकिन कद को उसने परमानेंट फेनोमेना बताने की कोशिश किया, अस्थाई फैक्टर बताने की कोशिश की है। वसुंधरा राजे का कहना साफ साफ ये है कि पद और मद ये दोनों अस्थाई है, टेम्पररी है। और पद और मद का यदि कोई कद पर हावी नहीं हो पाया तो निश्चित ही तौर पर, यानी सत्ता का गुरूर कहने का मतलब साफ साफ ये होता है कि सत्ता का गुरूर यदि किसी राजनेता के ऊपर अगर नहीं चढ़ा, पद का घमंड यदि उसके ऊपर नहीं आया, तो फिर राजनीति के भीतर कद काफी आगे बढ़ता है। यानी ये कह कि मदन राठौर को उन्होंने एक नसीहत भी दिया, सीख भी दिया, लेकिन मदन राठौर को कहीं ना कहीं दांव देते हुए कहीं और बिसात बिछाने की तैयारी साफ साफ दिख रही है। हम सबको पता है कि पिछली बार राजस्थान के भीतर पर्ची से मुख्यमंत्री बनाए गए थे, ज्यादातर विधायक वसुंधरा राजे सिंधिया वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में थे, लेकिन हुआ क्या, दिल्ली से एक फरमान आता है, फिर वहां पर राजनाथ सिंह जो वहां जमते हैं और फरमान सुनाया जाता है भजनलाल शर्मा को, एक विधायक को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। और वो चिट्ठी से, भजनलाल शर्मा के राजस्थान भाजपा में कितना बड़ा कद है वो सबको पता है। और आज भी बिना मुख्यमंत्री बने हुए वसुंधरा राजे ने कुछ इस प्रकार से अपनी इमेज बनाई है। अशोक गहलोत ने विपक्ष में रहने के बावजूद जो इमेज बनाया, उस इमेज के आसपास ही मुख्यमंत्री पद पर, यानी इन दोनों के द्वारा पूर्व में संभाले गए पद पर पहुंचकर सत्ता के मद के बावजूद भजनलाल शर्मा नहीं पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में निशाना भजनलाल शर्मा नहीं, बल्कि निशाने के ऊपर, वसुंधरा राजे के निशाने के ऊपर भजनलाल शर्मा के पीछे जो ताकतें खड़ी है वो लोग हैं। यह यूं कहें भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता है। भारतीय जनता पार्टी के भीतर कमोबेश यही स्थिति पूरे देश के भीतर दिखाई पड़ रहा है। आप उत्तर प्रदेश के भी देख सकते हैं कि एक अदना सा भाजपा के कार्यकर्ता, यानी निजुल विधेयक पर वहां पे जो पारित होती है, उत्तर प्रदेश के आधे शहर की आधी आबादी जो है वहां पे खाली हो जाएगी। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का पूरा नैरेटिव ही बिखर जाएगा। पांच लोकसभा सीटों की भी दावेदार उत्तर प्रदेश के भीतर भारतीय जनता पार्टी नहीं बचेगी। तो क्या ऐसे में उत्तर प्रदेश के भीतर जो चल रहा है यूं ही हो रहा है, या इस नजूर विधेयक के पीछे जो पिछले करीब एक साल से जो पूरी बिसात बिछाई जा रही है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बदलने की, उत्तर प्रदेश में सत्ता के सीट पर कठपुतलियों के बैठाने की, क्या उसके पीछे नजूर विधायकों के द्वारा एक ऐसा मोहरा तैयार किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के भीतर, जिस मोहरे के अंदर गुजरात लॉबी का पूरा खेल ही बिगड़ जाए। आखिर कुछ ठीक इसी प्रकार से मध्य प्रदेश की स्थिति को देख सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान मंत्री वहां बन गए, मुख्यमंत्री पद से हटा दिए गए, और हटाने के बाद जब वहां पर पहुंचते थे, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, इस तरह से नजर आते हैं गाते हुए, उनके दिल पे एहसान किसका है, एहसान उतारने की तैयारी कैसे कर रहे हैं लोकसभा में आने के बाद। और जिस प्रकार से सदन के भीतर जितनी मजबूती से वो जवाब दे रहे हैं, और सत्ता प्रायोजित गोदी मीडिया के द्वारा ये कहे कि उसकी पूरी काफी कम कवरेज की जा रही है, उससे आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान जहां कई मोर्चों पर नरेंद्र मोदी को टक्कर देने की स्थिति में आ सकते हैं, क्यों उनकी मीडिया कवरेज कम की जा रही है। इस दौर में किसी मंत्रालय में
बहुत अच्छे सवाल जवाब करते हैं, सदन में बखूबी बहुत अच्छे तरीके से जवाब देते हैं, लेकिन कवरेज उनकी कितनी होती है मीडिया में? क्या शिवराज सिंह चौहान की क्या इतनी कम कवरेज की बिना किसी इशारे के हो सकती है क्या? उनको भी मुख्यमंत्री पद से बड़े अजीब अंदाज में रुखसत कर दिया गया था पर्ची सिस्टम के द्वारा ही मध्य प्रदेश से। महाराष्ट्र की अब देख सकते हैं, पहले देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी को वहां पे सामने खड़ा करने की कोशिश हुई, और अब नितिन गडकरी के बाद देवेंद्र फडणवीस को भी उसी स्थिति में लाया जा रहा है महाराष्ट्र के भीतर। कर्नाटक की स्थिति भी वही है कमोबेश की, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी येदुरप्पा को साइड कर दिया गया। आखिर किस राज्य की बात करें हम, हर राज्य की बात करें, बिहार की कमोबेश स्थिति है कि पूरे लीडरशिप बाहर से लाए गए नेताओं को अहमियत देने की वजह से घर बैठी हुई है। आखिरकार ये पश्चिम बंगाल के भीतर दिलीप घोष जो उनकी पीड़ा पूरी सार्वजनिक तौर पर पूरे देश में व्यक्त हो रही है, हर राज्य के भीतर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कमोबेश यही होती जा रही है। झारखंड में बाबूलाल मरांडी को भी कहीं ना कहीं अब किनारे लगाने की कोशिशें हो रही है, सजीव राय किनारे लगाए जा चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से बाहर, वो अपने राजनीतिक जमीन को तलाश कर रहा है। इस पूरे हर राज्य में, पूरे हर एक प्रदेश में, पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो पावर इक्वेशन बनाने की जो पूरी कोशिश हो रही है वो पैरेलल यानी समांतर सत्ता के अति में तो बन नहीं पा रहा, लेकिन सत्ता में बैठने के बावजूद भी वो नहीं बन पा रहा। तो ऐसे जो सत्ता का केंद्र और विपक्ष में रहते हुए भी जो हो सकते थे या जो बने रहे और इतने मजबूत और ताकतवर नेता रहे हैं, जिनके लिए सत्ता यानी पद और पद का मद बहुत बड़ी चीज नहीं थी, उनमें से एक वसुंधरा राजे भी है। और जितने भी नेताओं के नाम हमने लिया अलग अलग राज्यों के, कमोबेश सबकी स्थिति इस दौर में वही रही है। महाराष्ट्र चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के भीतर दरअसल संघ भी कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करने की स्थिति में आ रहा है। संघ भी भारतीय जनता पार्टी के भीतर पावर इक्वेशन को चेंज करना चाहता है मौजूदा परिस्थिति में, और इस पावर इक्वेशन का चेंज करना क्या गुजरात लॉबी को सत्ता के केंद्र से बाहर कर देगा? क्या भारतीय जनता पार्टी संसद के भीतर संख्या बल के आधार पर दूसरा, नागपुर के आशीर्वाद के ऊपर तीसरा, इस भारत देश के मध्यवर्ग के बीच भारतीय जनता पार्टी की स्थिति पहले जैसे नहीं रही है? और वहीं अगली बात करें तो जिस प्रकार से जातीय अस्मिताएं, सामुदायिक राजनीति, जाति जनगणना के मांग को लेकर के उसके बाद की जो परिस्थिति जो अपने आप को एक सर उठा करके चल रहे, उसमें न तो नरेंद्र मोदी कामयाब होते दिख रहे हैं, न ही अमित शाह की चाणक्य नीति काम करते हुए दिख रहे। तो भला ऐसे में इन दोनों के द्वारा बिठाए गए भजन लाल शर्मा और मोहन यादव, किशन विष्णुदेव साय, नायब सैनी, एकनाथ शिंदे, क्या ऐसे लोग मुकाबला करेंगे? सम्राट चौधरी, क्या ये लोग मुकाबला कर पाने की स्थिति में हैं? तो स्वाभाविक सी बात है कि ये लोग नहीं है। कार्यकर्ताओं का रुझान, कार्यकर्ताओं की झुकाव अब कहीं ना कहीं दूसरी तरफ जा रहा है, शिफ्ट हो रहा है, वो है भारतीय जनता पार्टी के एस्टेब्लिश लीडरशिप जो अलग अलग इलाके से आते हैं, रिवॉल्व होकर के आते हैं, खुद से राजनीतिक प्रक्रिया से ऊपर उठ करके आते हैं, उस लीडरशिप को दबा करके रबर स्टाम्प से सत्ता चलाने की कवायद, रबर स्टाम्प से पार्टी चलाने की कवायद जब लोकसभा चुनाव 2024 में साफ साफ भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े सेटबैक के रूप में सामने निकल कर के आई। 400 पार का नारा था धाराशाही होते हुए 240 पे आके अटक जाती है भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद वसुंधरा राजे के बयानों को अगर भारतीय जनता पार्टी के कसौटी पर रख करके अगर उसे समझने की कोशिश करें तो साफ जाहिर होता है कि चुनाव के बाद जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर जो उनके अंदर जो एक चिंगारी सुलगती हुई दिख रही है वो कभी भी भड़क करके सामने देश के आ सकती है। तो फिर ऐसे में नेतृत्व परिवर्तन की स्थिति तक भी भारतीय जनता पार्टी को जाना पड़ सकता है। लेकिन सवाल तो यही उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व परिवर्तन को देखने के लिए, उस खेल को देखने के लिए इंडिया गठबंधन भी तैयार है, या फिर महाराष्ट्र चुनाव के बाद वो अपने खेल की तरफ आगे बढ़ने के लिए तैयार है? आखिर कारण इसके बीच जो भी हो, परिस्थितियां जो भी हो, देश के भीतर जनाधार को लेकर के नरेंद्र मोदी की प्रति लोगों के भीतर आम धारणाएं, भ्रांतियां जो भी बस रही है, वसुंधरा राजे एक रेखा खींचने की प्रयास किया जिस रेखाओं के ऊपर चल करके आप अलग अलग समय में अलग अलग नेताओं के द्वारा जो रेखाएं खींची गई, नितिन गडकरी का वो बयान, आप घोड़े खा रहे घास और पता नहीं कौन खा रहे चमन परास, ये बयान आप सुने थे, इस तरह की बातें आपने जरूर सुना होगा। कुछ इसी प्रकार से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान के पीड़ा को भी आपने देखा होगा उस दौर में, योगी आदित्यनाथ के सत्ता के साथ जो अप्रोच है दिल्ली और लखनऊ के बीच में, जो भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो खींची हुई एक तनाव है, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक,
कि एक एक बोल पे, एक एक नाव पे जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ की नजर है और उस पूरे दाव के बीच और पूरे कदम के पीछे किसकी कदम है, किसकी ताकत है, इसकी पूरी बखूबी समझ होती है। ये सारे बातें एक जगह इकट्ठे जब होते रहे, जब सारे क्लेम एक जगह, अलग अलग छत्र जब एक ही जगह इकट्ठे हो रहे हैं, तो स्वाभाविक से बात है कि भ्रष्टा क्रम के हिसाब से अगर देखें तो फिर वसुंधरा राजे बहुतों लोगों से ऊपर आती है। और खेल जो है, राजनीति का जो खेल चल रहा है, उस सियासी खेल के भीतर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के भीतर कहीं ना कहीं रबर स्टाम्प वाली प्रक्रिया के खिलाफ जब इस सारे छात्र जब इकट्ठे हुए कमोबेश दिखाई पड़ रहे हैं, तो फिर ऐसे में बस एक मौके का इंतजार है। और परिस्थितियों की व्यवस्था, इन दोनों चीजों के आश्रय महाराष्ट्र का चुनाव, विधानसभा का, और देखते रहिए आगे होता क्या है। लेकिन मदन राठौर के बहाने, उनके ताजपोशी के बहाने, उनके पीठ थपथपाने के बहाने, जिस प्रकार से वसुंधरा राजे ने भारतीय जनता पार्टी के भीतर के कार्यप्रणाली को निशाना बनाया, उस कार्यप्रणाली को निशाना बनाने वाली वसुंधरा राजे अकेले नहीं है। हर राज्य में हर जगह से छत्रक आवाज उठा रहे, संघ उस पर अब ध्यान दे रहा है, संघ अब खुल करके हस्तक्षेप करने की स्थिति में आ रहा है। ये देखा जाना बहुत दिलचस्प होगा। और ये देखने के लिए महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव, हरियाणा का विधानसभा चुनाव, झारखंड का विधानसभा चुनाव एक बहुत ही बड़ी कहीं ना कहीं फील है, क्योंकि उस चुनाव को कहीं ना कहीं आप बीतने दीजिए और फिर एक नए खेल की इंतजार कीजिएगा। देखते रहिए। इस वीडियो में इतना ही, बाकी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।